नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों और केंद्रीय कर्मचारियों का मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओआरओपी रिवीजन और एरियर्स ऑफ ओआरओपी फ्रॉम जुलाई 2019 टू जून 2022। जी हाँ, पेंशनर्स और जो भी हमारे फैमिली पेंशनर्स हैं उनको जो एरियर का भुगतान किया जाएगा, क्योंकि 2019 में पेंशन रिवाइज होनी थी, अब जाकर 2022 में हो रही है, तो इस बीच का जो एरियर बनता है उस एरियर का भुगतान हमारे पेंशन धारकों को किया जाना है। लेकिन सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे इसमें प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर अलग अलग बताया जा रहा है, लेकिन ये एक ऑफिशियल लेटर है जो मेजर जनरल सतवीर सिंह जी ने शेयर किया है, जो असली वाली एरियर टेबल है कि कितना एक एरियर हमारे पेंशन धारकों का बनता है। हम आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आसानी से समझाएंगे कि जिससे कि आपको समझ आए कि कितना एरियर आपका किस प्रकार से बनता है। अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 1 रैंक 1 पेंशन 16 मार्च 2022 को जजमेंट दिया था। जो असली 1 रैंक 1 पेंशन है उसका केस डिस्पोज ऑफ करते हुए ओआरओपी 2 को अप्लाई करते हुए ये फैसला दिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर आपका जो है पेंशन रिवाइज हो जाएगा। ये एरियर ऑफ ओआरओपी आर टू बी पेड टू ऑल रैंक्स ऑफ डिफेंस पेंशनर्स विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2019 ऑनवर्ड्स विद इन 3 मंथ्स। 3 महीने का समय दिया गया, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर सरकार पूरा कार्य नहीं कर पाई। लेकिन अब मुद्दा ये है कि अगर कि हमारे पेंशन धारकों को कितना एरियर मिलेगा, और जो एरियर रैंक वाइज अलग अलग है उसमें जो भी डिफरेंसेज हैं, हम यहाँ पर सिपाही रैंक की बात करते हैं, क्योंकि एक बेसिक हम बात कर लेते हैं कितना डिफरेंस और कितनी बढ़ोतरी के साथ हमारे पेंशन धारकों को कितना एरियर का भुगतान किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, एक सिपाही रैंक के लिए यहाँ पर दिया गया है, जिसमें बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझाया गया कि एरियर ऑफ 12 मंथ्स यानी कि एक साल का एरियर आप यहाँ पर समझिए 4196 बनता है एक महीने का। एक बार आप यहाँ पर ऊपर चेक कीजिए, ये यहाँ पर दिया गया है नेट क्वालिफाइंग सर्विस के अकॉर्डिंग, ये आपकी सर्विसेज है, इसके अकॉर्डिंग आपकी जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग जो आपका बेसिक पर मंथ एरियर बनता है वो बनता है 4196 रुपये। अब 4196 एक महीने का बनता है, तो 12 महीनों यानी एक साल का बना 50,352। इसी प्रकार से अब हमारे पास एक साल का डाटा आ गया है, अब हम इसको 3 साल का निकालेंगे यानी 50,352 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो यहाँ पर रहेगा आप देख सकते हैं 1,51,056 रुपये। कुल मिलाकर 1,51,056 रुपये एक सिपाही पेंशन धारक का बनता है जो आपका एरियर है वो। तो आप इसमें देखिए, आई थिंक तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत ही इजी वे में बहुत ही आसानी से ये समझाया गया, बताया गया है कि कितना आपका एरियर बनेगा और जो आपके एरियर का भुगतान। एक चीज़ ये भी आप सभी के लिए बता दें कि जो आपका एरियर का भुगतान किया जाना है उसका भुगतान एक साथ में ही होगा, यानी कि जो एक राउंड फिगर में 1.5 लाख रुपये करीबन 1.5 लाख रुपये तक जो आपका पैसा होगा वो आपके खाते में एक साथ डिपॉजिट किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रही थी। आगे इस मुद्दे पर कोई भी अपडेट जैसे ही आती है हम तुरंत से आपके साथ जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी पेंशन धारकों को जय हिंद जय भारत।